सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल हरिदर्शन विद बिलजीत। और आज मैं गोल मार्केट माँ काली मंदिर आया हूँ, जो कि कहा जाता है दिल्ली का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और ये कहा जाता है कि ये कोई 500 साल पुराना ब्रिटिश टाइम का मंदिर है। देखिए किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये बाहर का दृश्य है, यहीं से मैंने इसको पूरा कवर करने की कोशिश करी है बाहर से। तो चले आइए, चलते हैं अंदर। ये देखिए सामने ही माँ काली विराजमान है, और देखिए किस तरह से, और मुझे यहाँ बताया गया कि इसको पूरी तरह से सामने दिख भी रहा होगा कि पूरी तरह से इसको चांदी से डिज़ाइन किया गया है। बड़ा ही प्यारा लग रहा था जब मैंने इसको सामने से देखा। और ये देखिए यहाँ पे माँ शेरावाली कैसे विराजमान है पूरे पहाड़ी के ऊपर, बहुत खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। बड़ा अच्छा लग रहा था जब मैं इसको सामने से देख रहा था। ये देखिए गुफा में भी पूरी माँ शेरावाली को दिखा गया है नीचे से, देखिए कैसे डिजाइन किया गया, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यार सामने ही श्री राम और हनुमान जी विराजमान है, सामने ही देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शन करेंगे आप सामने देखते हो। और ये देखिए पूरा एक मैंने यहाँ से वीडियो बनाने की कोशिश करी। और कहा जाता है यहाँ पर एक राजा रहा करता था, जो कि माँ को कुल के रूप में मानता था। और यहाँ पर चाहे क्रिकेटर या कोई पॉलिटिकल लीडर हो या फिर फिल्म स्टार हो, यहाँ आते रहते हैं, यहाँ आ भी चुके हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे अकबर भी आया था, बहुत पुराना टेंपल है, 400-500 साल पुराना ब्रिटिश के टाइम का टेंपल है, जो कि बहुत ही आकर्षित करता है जब आप उसको सामने से देखोगे। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, जबकि इसका आकार बहुत छोटा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इतना खूबसूरत डिज़ाइन किया गया, बहुत अच्छा लगता है चारों तरफ से इसको जब देखते हैं आप, जब इसमें एंटर करेंगे आप तब देख पाएंगे। ये देखिए सामने काल भैरव, सारी देवी देवता को दिखाया गया, शीतल शीतला मातला संतोषी माँ, ये देखिए। और सामने ही अभी मैं आपको दिखाऊंगा शिवलिंग है, जो कि बहुत ही पुराना स्थापित शिवलिंग है, और बड़ी दूर दूर से लोग इसके लिए दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे, गोल मार्केट से क्या पूरे इंडिया से क्या पूरे दिल्ली से, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे इसको देखने के लिए आते हैं। ये देखिए किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पे करते हैं पूजा वगैरह। सामने ही ये गणेश जी की मूर्ति अभी आपको दिखाऊंगा, बड़ी खूबसूरत मूर्ति है। ये देखिए हर देवी देवताओं को यहाँ पे विराजमान किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि मेरे को ये छोटा सा टेंपल है और इतनी खूबसूरती तरीके से डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं इसको एंटर किया, जब अंदर देखा वाइब भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे नौ रूप देव हमारे जो ग्रह होते हैं, नौ ग्रहों को दिखाया गया है। और ये माँ काली की तस्वीर थी, बहुत आकर्षित कर रही थी, तो मैंने इसका छोटा सा क्लिप ले लिया। और ये हमारे शनिदेव जी, ये तो कहा जाता है कि इनको तो सामने से देखना भी नहीं चाहिए, और ये सामने ही जोत जलती रहती है। और ये जब सामने जब एंटर करेंगे तो पंडित जी बैठे हैं यहीं पे, आप टीका वगैरह। और ये देखिए देखिए कितनी खूबसूरती से डिज़ाइन को किया गया है। तो गाइस ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको पूरा टेंपल को कवर करने की कोशिश करी, दिखाने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा टेंपल, आपको यहाँ आना चाहिए। और कहते हैं जो यहाँ पे एक बार आता है उसको दोबारा जरूर आता है, क्योंकि जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उसकी माँ सभी मनोकामना पूरी करती है। तो यहाँ ज़रूर आइए, ज़रूर पधारिए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करते हुए, सो गाइस दैट्स अ एंड ऑफ माय वीडियो। मैं फिर मिलूंगा एक नई जर्नी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।